आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बेसन की सब्जी। इस सब्जी को एक बार बना लेंगे तो आप पनीर खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बिना लहसुन और प्याज के बनाने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और इस सब्जी को हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन लेंगे और यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, ये लगभग 200 ग्राम बेसन होगा और इसको हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक वही मसाला डालेंगे जो हम सब्जी में डालते हैं। और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा की जगह आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे, जैसे हम चीला के लिए बैटर तैयार करते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ, तो बिल्कुल ये हमें इसी तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए, ये घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे एक बड़े चम्मच और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आप चाहे तो जीरा की जगह सरसों भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम बेसन का घोल डाल देंगे जो अभी हमने तैयार किया है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई में लग भी सकता है। गैस का फ्लेम धीमे रखेंगे इसके पकाते हुए, नहीं तो तेज़ रहेगा तो गुठलियाँ बन सकती है। तो इसको हम चलाते रहेंगे लगातार। तो ये देखिए, हमारा ये घोल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बेसन को गाढ़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 4 से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक हम थाली या प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से, ताकि ये हमारा बेसन चिपके नहीं बाद में निकालने पर। बेसन को मैंने थाली में निकाल लिया है, अब इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, ना ज़्यादा पतला फैलाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बेसन अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो इसके हम सब्जी बनाने वाले हैं, तो पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा लिया है, अदरक टुकड़ा लिया है और 6-7 काली मिर्च लिया है और 1 इलायची है, 2-3 लौंग लिया है, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च लिया है और 2 टमाटर मैंने बारीक कट कर लिया है। सभी मसाले को मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बेसन की तरफ चलते हैं। बेसन अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। मैं 1-1 इंच के साइज़ का, जैसे बर्फ़ी होता है तो उसी तरह से। तो देखिए, मैंने सभी को कट कर लिया है। अब सभी पीस को मैं फ्राई पैन में डाल के सेक लेती हूँ। आप चाहे तो इसे तवा पे भी सेक सकते हैं, कुछ लोग नवरात्रि में फ्राई नहीं करते हैं, तो इसको बहुत ही कम तेल में हम सेक लेंगे, 1 से 2 चम्मच में ये हमारा अच्छे से सिक जाता है। सभी पीस को हम फ्राई पैन में डाल लेते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे, ताकि अच्छे से जल्दी सिक जाएगा। सभी बेसन को पीस को मैंने डाल दिया है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे, ताकि एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा। बेसन को सेकते हुए कुछ देर हो गया है, तो सभी को अब हम पलट लेते हैं। तो देखिए, कितने अच्छे से सिक गया है। इसको आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ शैलो फ्राई कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, मैंने सभी को पलट लिया है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड से सेक लेती हूँ। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, नीचे से भी कितना अच्छे से सेक गया है। तो ये दोनों तरफ से बेसन अच्छे से सेक गया है। आप इस बेसन को टी टाइम में भी बना सकते हैं, नाश्ता के तौर पर बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, कितना अच्छे से सेक गया है। अब कढ़ाई रख देंगे गैस पर और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। आप चाहे तो जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको तेल में अच्छे से मिला लेंगे। 1 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 हींग डाल देंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको भी डाल दिया है, इसको मैं दिखाना भूल गई थी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इन सभी मसाले को हम अच्छे से मिलाकर भूनेंगे। इसमें ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सभी मसाले को पीस लिया है। मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, तो अच्छे से भून गया है। तो इसे मैं 1 चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ, ताकि ये सब्जी अच्छे से गाढ़ा हो सके। बेसन के जगह आप चाहे तो उबला हुआ आलू भी मैश करके डाल सकते हैं, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे।
ग्रेवी तैयार करने के लिए। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आने लगा है तो नमक डाल देंगे एक चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इसमें हम बेसन का पीस डाल देंगे जो अभी हमने तैयार किया था। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी में और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये बेसन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इस तरह से बना लेंगे तो इसके आगे आपको पनीर भी फीका लगने लगेगा। और आज मैंने बिना लहसुन और प्याज के बनाया है तो इसको हम ढक लेते हैं कुछ देर के लिए ताकि सभी फ्लेवर अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो देखिए, ये हमारी बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अब इसमें हम 1/4 गरम मसाला डाल देंगे क्योंकि मैंने सभी गरम मसाला पीस लिया है। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। ये हमारा सब्जी बहुत ही कम मसाला से बनके तैयार हो गया है जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सभी को पसंद आने वाला है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना हुआ है। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी हुई है बिना लहसुन प्याज का। इस सब्जी को लंच या डिनर में चावल के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्जी सभी को पसंद आने वाला है। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म बेसन के सब्जी बनके तैयार हो गए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो साइड में छोटी सी घंटी है उसको भी प्रेस करके ऑल कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।